खनिया थाना में 5 जून को मेजर रिटायर्ड ब्रजमोहन शर्मा की हत्या की गई थी। मामले में थाना प्रभारी ने 48 घंटे में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इंडियन वेटनर्सन ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष शिवपुरी सूबेदार मेजर व वेटनर्स ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, दिवंगत फौजी को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही सूबेदार मेजर शर्मा ने मृतक मेजर के दोनों बेटों व बेटियों से बात की, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। हमें कुछ नहीं चाहे तो निहाय चाहिए। हमारे आदमी के साथ में बहुत गलत काम किया है उनने, हमने गला घोटा, उनको इसी बुरी तरह से मारा गया था। किसी इंसान को नहीं मारा, एक पैसा मारा उनने किया था, किसी का कुछ नहीं किया था। 27-28 साल फौज में सर्विस करके आए धरे। अगर कारगिल की लड़ाई में मर जाते तो दुख नहीं होता कि मैंने से जिस कुछ चाह दिया ने मारा। मैं तो ये विनती करती हूँ आपसे कि हमको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए, बस मेरी तरफ से यही विनती है। मेरे पिताजी की हत्या जो हुई है इसमें 5 लोग अभी पकड़े गए हैं, अभी पुलिस कस्टडी में है, 2 लोग बाकी के 3 जेल जा चुके हैं। क्योंकि इन्होंने जो बुलाकर जिस तरीके से मेरे पिताजी की हत्या की है, जो इस हत्या को अंजाम दिया है, इनको फांसी तक पहुंचाना है, इनको फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। ब्रजमोहन शर्मा जी का मर्डर कर दिया गया, इनकी डेड बॉडी विषम परिस्थितियों में मिली थी, उसके लिए हम उनके परिवारों से मिलने आए थे और अपने पुलिस प्रशासन सबसे मांग कर रहे हैं कि कठिन से कठोर कार्रवाई की जाए जिससे सख्त से सख्त सजा मिल सके।